हमारी राशि जितना की रागात्मक अभिव्यक्ति है तो जी का सम्मान करें। थके सब लोग नहीं थके? मैं तो थक गया। चलो जल्दी समाप्त करेंगे सभा, क्योंकि ऑलरेडी समय ज्यादा हो गया है और सब लोगों को घर में जाना है। लेकिन इतिहास याद रखेगा आप सब लोगों को कि लोग पैसा देने पर भी लोग नहीं आते, लोग पैसे देने पर भी सभाओं में नहीं आते, लेकिन आप लोग, ये श्री रामनवमी मेरे लिए है, ये श्री रामनवमी मेरे भविष्य के लिए है, ये श्री रामनवमी को मैं और मजबूत करूंगा, मैं चाहूंगा दोस्त को लेकर आऊंगा। ये भावना जो आप में है ना मेरे मित्रों, इस भावना को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। अरे आज से हजारों साल पहले त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। मेरे भाइयों, भगवान श्री रामचंद्र जी ऐसी लीला करते हैं कि आज वो सारे विश्व के भगवान कहलाते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाते हैं मेरे मित्रों। अरे वो समय पर भी आतंकवादी हुआ करते थे, पता है आपको, वो समय पर भी राक्षस हुआ करते थे, राक्षस आते थे, साधु संतों को मारते थे, यज्ञ को विघ्न डालते थे यज्ञ में, और गौ माताओं को मारते थे। वो समय के राक्षस लंका से आते थे मेरे भाइयों। भगवान श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों के अंत के लिए, साधु संतों की रक्षा के लिए बाण उठाया और राक्षसों का अंत किया। मेरे मित्रों, जब सीता मैया का हरण होता है तो भगवान श्री रामचंद्र जी चुटकी में सीता मैया को ला सकते थे, क्योंकि वो तो भगवान है। लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ऐसी माया रची, एक ऐसी वानर सेना बनाई, नल नील अंगद भगवान श्री हनुमान जी को सभी को जोड़कर एक वानर सेना बनाई, जंगल जंगल घूमा, 1400 साल का वनवास झेला, आम जनता के बीच में आम इंसान की तरह चले गए। इसलिए आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए मेरे मित्रों, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। अयोध्या में किसी ने नहीं सोचा था कि राम मंदिर बनते हम देख सकेंगे, किसी ने सोचा है था क्या? अरे हम लोग, आपको याद होगा, ये 15 साल हो चुके हैं, आज को 15 साल से श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलती है, 15 सालों से, 14 सालों तक एक ही एक स्लोगन था कि हम रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये स्लोगन था हम सब का। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को हृदय से धन्यवाद कहना है हम सबको, योगी जी बाबा को धन्यवाद कहना है हम सबको कि उन्होंने हम पूरे राम भक्तों का सपना पूर्ण किया है। मेरे मित्रों, अयोध्या में आसमान को छूने वाला राम मंदिर बन रहा है मेरे मित्रों, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन हम जो हिंदू है ना, बहुत लालची है, हम सब लोग लालची है, क्योंकि एक अयोध्या राम मंदिर बनने से हमारा पेट नहीं भरा, अब हम काशी की ओर देख रहे हैं, अब हम काशी के सर्वे की ओर देख रहे हैं, क्योंकि अब काशी में भी भव्य मंदिर बनने जा रहा है, इसलिए हिंदुओं की लालच और दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। अरे काशी में मंदिर बनते ही हमारा हिंदू कहां देखेगा? फिर मथुरा की ओर देखेगा, मथुरा की ओर देखने के बाद में, क्योंकि मथुरा में भी
सर्वे प्रारंभ हो चुका है, वहां पर जो बने हुए इल्लीगल ढांचे भी साफ होंगे, क्योंकि वहां पर एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो बोलता नहीं डायरेक्ट ठोकता है। आज आतंकवादी हो या लैंड जिहादी हो या लौ जिहादी हो या माफिया हो, सबको 72 हूरों के पास भेजने वाला हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। आज हर वो हिंदू का सपना पूर्ण हो रहा है। हमने मेरे मित्रों हमने केवल 3 मंदिरें ही मांगी थी, केवल 3 मंदिरें। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारे देवों का जन्म हुआ, काशी मथुरा अयोध्या। हमने केवल 3 मंदिर के ऊपर हमने युद्ध किया, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सुना हमारी बात, इन्होंने कभी नहीं सुनी। महाभारत के बारे में मैंने बेगम बाजार में कहा है, यहां पर भी कहूंगा, भगवान श्री कृष्ण जी महाभारत होने से पहले दुर्योधन के पास जाते हैं, दुर्योधन पांडवों से पंगा मत ले क्योंकि पांडवों के पास मैं खड़ा हुआ हूं। पांडु जो चाहते हैं वो सुलानामा करने, मेरी बात सुन। दुर्योधन नहीं माना। फिर थोड़े दिन के बाद में भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, फिर बोलते कि भाई 5 गांव दे दे पांडवों को, मेरी बात सुन। दुर्योधन नहीं माना। महाभारत हुआ, युद्ध में क्या हुआ, क्या परिणाम आया, आज पूरा हिंदू समाज जानता है मेरे मित्रों। दुर्योधन समाप्त, दुर्योधन के सपोर्टर पूरे के पूरे समाप्त हो गए। अब हम केवल 3 मंदिरों में हम नहीं रुकने वाले, हमारे 40,000 जो मंदिर इन्होंने तोड़ी है, 40,000 मंदिर है, हम लेकर बताएंगे मेरे भाइयों। कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती, कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि भारत में भगवा राज आ चुका है। भगवा राज आने से कितना लाभ मिलता है ये विचार करना मेरे मित्रों। अरे हिंदुओं ने सिर्फ उंगली उठाई, क्या उठाई? अरे हिंदुओं ने केवल उंगली क्या उठाई, देश का प्रधानमंत्री भगवाधारी बन गया। जिस दिन हिंदू अगर पंजा दिखाएंगे, जिस दिन अगर हिंदू पंजा दिखाएंगे, तो इन आतंकवादियों का इस देश से नामो निशान मिटेगा मेरे मित्रों, नामो निशान मिटेगा। आपको पता है?